क्या फिल्मी गाने गाने के लिए या उन्हें सीखने के लिए शास्त्रीय संगीत आना जरूरी है? क्या हम क्लासिकल म्यूजिक सीखेंगे तभी हम फिल्मी गाने या भजन या कोई गजल सीख सकते हैं क्या? लाइट म्यूजिक का क्लासिकल म्यूजिक से क्या रिलेशन है? आज उस पर हम चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या जरूरी है क्लासिकल या इंडियन क्लासिकल या शास्त्रीय राग ताल ये सब सीखना तभी मतलब हम अगर लाइट गा पाए तो, है ना? तो क्या है इसका हल, आइए जानते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। ये गज़ल है, मैंने कुछ वक्त पहले कंपोज करी थी, आप जल्द ही इसे हमारे यूट्यूब चैनल पर सुनेंगे। तो आइए फिर से टॉपिक पर आते हैं कि क्या फिल्मी गाने गाने के लिए या लाइट म्यूजिक गाने के लिए हमको क्लासिकल आना ज़रूरी है? शास्त्रीय संगीत जो आप सभी जानते हैं, सुरताल, लय, राग, अलंकार, ये सब उसमें होता है, स्केल जानना है ना, तो क्या ये ज़रूरी है? तो मेरे मुताबिक अगर आप जानें तो हाँ, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि व्याकरण जो है, जो बेसिक ग्रामर जो है, वो आपको शास्त्रीय संगीत में ही मिलेगा। आप जिस भी फिल्मी गाने को गा रहे हैं, आप ऐसे भी गा सकते हैं, हर कोई गाता है, फिल्मी गाना इतना कैची होता है, कोई भी गा सकता है। कोई गजल हो गई, कोई भजन हो गया, लोग गाते ही हैं ना, वो तो नहीं सीखे हुए शास्त्रीय संगीत, तब भी गाते ही हैं। लेकिन उनमें क्या कमी आती है? उनको उनके गाने का स्केल नहीं पता, सुर नहीं पता, तो वो किसी भी सुर से गाने लग जाते हैं और फिर उनकी आवाज़ के अनुसार वो सेट नहीं होता है, है ना? उसमें क्या ताल चल रही है वो नहीं पता। तो अक्सर ऐसा होता है, अगर रिदम साथ में चलती है तो फिर हम हिचकिचाते हैं कि कैसे गाएं, कहाँ ज़्यादा रुकना है, कहाँ कम रुकना है, मालूम नहीं चलता। गाने में उनकी लय जो है, वो गति जो है, वो स्पीड जो है, वो भागती रहती है या कभी ढीली पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, सुर, ताल, लय, यही तीन चीज़ें तो हमारे शास्त्रीय संगीत के स्तंभ हैं। यही वो तीन चीज़ें हैं जिनको जानना ज़रूरी है। यही वो तीन चीज़ें हैं जिनके बगैर कोई भी संगीत अधूरा है, बेकार है, ये समझ लीजिए। अगर आपको वो नहीं मालूम है तो आपका संगीत, आप फिर कुछ कर ही नहीं सकते, फिर आप गा ही नहीं पाएंगे, ढंग से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुर नहीं है, ताल नहीं है, लय नहीं है, तो कैसा संगीत है वो, है ना? संगीत में हर चीज़ आ गई, गाना, बजाना, नाचना, तीनों चीज़ें आ गई, है ना? तो ये तीनों चीज़ें हैं जो आपको शास्त्रीय संगीत में सीखने को मिलती हैं। फला कोई गाना, फिल्मी गाना आप गाते हैं, किशोर दा का या फिर मोहम्मद रफ़ी साहब का, इनका गाते हैं, या फिर आजकल के गाने गाते हैं अरिजीत सिंह के, या फिर जुबिन नौटियाल के, या फिर मोहित चौहान, ए आर रहमान साहब के, इनके अगर कोई गाने गाते हैं आप ऐसे तो गा लेंगे सुर की, थी कि आपने कॉपी कर लिया, सुना और गा दिया, लेकिन आपको मालूम ही नहीं आपने कौन से स्केल से गाया। जैसे ही आपसे पूछे भाई साथ में कोई संगत कर रहा, भाई कहाँ से बजाना है, क्या सुर, तो बोले भाई सुर वुर हमें नहीं पता, हम तो गाते हैं भाई, हैं? ये जवाब न दें आप, इस चीज़ के लिए आपको शास्त्रीय संगीत सीखना ज़रूरी है। और उसमें अगर कोई लय ताल चल रही है साथ में, जाहिर सी बात है ताल चलेगी साथ में, तो वो ताल आपको समझ में आनी चाहिए कि कहाँ कितना रुकना है। तो क्या होगा, आप जो गा रहे हैं फिर आपका उस पर कंट्रोल है, काबू है उस पर। ये नहीं होगा कि तबले वाला बता रहा है या कीबोर्ड वाला, हारमोनियम वाला बता रहा है कि भाई यहाँ से गाओ, ऐसे गाओ। कई तो शास्त्रीय संगीत वाले भी मैंने ऐसे देखे हैं जिनको बस रटंत, क्योंकि वो आता है तो वो ख्याल गा देंगे अपना, और गिनी चुनी ताने अपनी गा देंगे, और उनसे पूछ लो भाई कौन से स्केल से था, तो वो उनको नहीं मालूम है ना, भैया मैंने तो गा दिया भाई, ये मेरे को बोला था गुरुजी ने बजा दिया हारमोनियम साथ में, या कोई संगत वाला था उसने बजा दिया। ये भी नहीं होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए आप कौन से स्केल से गा रहे हैं, कितने स्केल होते हैं। अगर स्केल बदल दिया जाएगा तो रेंज का क्या असर आएगा, कि आपकी रेंज जो है, वॉइस रेंज जो है, वो ज़्यादा ऊँची नहीं है, तो आपको कौन से स्केल से गाना चाहिए आपके अनुसार,
आप किंग हैं क्योंकि उस चीज के आप कंट्रोल, आप मास्टर होने चाहिए उस चीज के। अगर आपको कोई गाना गाना है, मान लीजिए फलां कोई गाना गाना है, अब वो ज्यादा ऊंचा हो रहा है तो आप सोचेंगे कैसे, अब इसको मैं कैसे गाऊं, ये तो मैं गा ही नहीं सकता, तो आप सोचते हैं गाना ही नहीं इसको। ये नहीं होना चाहिए, उस गाने को अपने अनुसार कैसे मोल्ड करना है, उसका सुर कैसे बदलना है, स्केल कैसे चेंज करना है, वो आना चाहिए। उसके लिए शास्त्रीय संगीत सीखना जरूरी है। दूसरी चीज, शास्त्रीय संगीत से कहीं ना कहीं आपको संगीत की रूह मालूम चलती है। फिल्मी गाने रट रहने से या गजलें रट लेने से या भजन रट लेने से क्या होता है, सिर्फ आप वो ऊपरी ऊपरी सतह पर होते हैं। जब शास्त्रीय संगीत सीखते हैं तो उसकी रूह तक पहुंचते हैं, भाव तक पहुंचते हैं, रस तक, सुर सुरावट तक पहुंचते हैं, है ना। आप देखें कि आशा जी हों, लता जी हों, यशुदास हों, रफ़ी साहब हों, मन्ना डे हों, ये ऐसे दिग्गज रह चुके हैं, ये सब शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं, इन सब ने वो सीखा हुआ है। हाँ, जाहिर बात है उसको आप परस्यू मत कीजिए, भले ही आपकी गायकी में उतना शो ना हो कि आप एकदम ताने वाने ले रहे हैं या एकदम आलाप लंबे लंबे या एकदम वो, लेकिन सुर सुरावट जो है वो आपकी आ जाती है, अब सुर में आ जाते हैं, मिठास आ जाती है, भाव आ जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और ये शास्त्रीय संगीत से ही आती है। तो हाँ, शास्त्रीय संगीत सीखना ज़रूरी है, उसे सीखें, भले ही एकदम डिटेल में ना जाएं पर बेसिक जो है उसका ज़रूर सीखें, ठीक है। तो उसके लिए आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, स्वरांगिनी हमारी किताब जो है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड की वीडियोज़, एंड मैं लाता रहूँगा कुछ ना कुछ ऐसे ही सवाल आप सभी के लिए। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें।